हेलो दोस्तों, फ्लैटवाइसली में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं फिलोसफी की सेकेंड यूनिट, कंटिन्यू करेंगे। सो आज का हमारा टॉपिक है रोल ऑफ स्कूल एंड सोशलाइजेशन ऑफ चाइल्ड। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि एजुकेशन कैसे हेल्प करती है सोशलाइजेशन में एक चाइल्ड के। अब हम देखेंगे कि प्रॉपर स्कूल कैसे वर्क करता है, बिकॉज एजुकेशन में आता है कि हम लोग बच्चों को एजुकेट कैसे करें, उन्हें कैसे इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, बट स्कूल का अलग ही रोल होता है। सो हम स्टार्ट करते हैं रोल ऑफ स्कूल एंड सोशलाइजेशन ऑफ चाइल्ड। एंड प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, पसंद आएगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना। सो लेट स्टार्ट। द रोल ऑफ स्कूल इज़ वेरी क्रूशियल इन द सोशलाइजेशन प्रोसेस। जो एक स्कूल का रोल है वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल है, मतलब वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सोशलाइजेशन प्रोसेस में। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप घर के बाद एक स्कूल ही ऐसी एक आपकी सोसाइटी बन जाती है, मिनी सोसाइटी बन जाती है, जहाँ पे कि आप सोशलाइज होते हो डिफरेंट लोगों से एंड आप सीखते हो एक सोसाइटी के अंदर रहना। इसकी वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस बन जाता है सोशलाइजेशन का, स्कूल में जाके पढ़ाई करना एंड डेली स्कूल जाना। इन स्कूल्स द चाइल्ड इज़ नॉट ओनली इन्फ्लुएंस्ड बाय टीचर्स बट ऑल्सो बाय इट्स फ्रेंड्स। जब हम बच्चे को स्कूल में भेजते हैं तो बच्चा सिर्फ अपने टीचर्स से ही इन्फ्लुएंस नहीं होता, वो इंस्पायर नहीं होता अपने टीचर्स से, बल्कि वो जो उनके फ्रेंड्स हैं वो उनसे भी कुछ ना कुछ सीखता है, उनसे भी इन्फ्लुएंस हो रहा होता है, बिकॉज वो अपने जो फ्रेंड है अपने टीचर्स है उनमें कुछ क्वालिटीज़ देखता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ट्रस्ट की, ट्रूथफुलनेस की, ऑनेस्टी की, या रिस्पेक्ट करने की। तो ये सब हम सोसाइटी में जब रहेंगे तो ये सारी वैल्यूज़ काम आएंगी। तो ये बच्चा सिर्फ अपने टीचर से ही नहीं सीखता है, अपने फ्रेंड से भी सीखता है जब वो स्कूल में जाता है। तो दिस अनेबल्स द चिल्ड्रन टू डेवलप लव, कोऑपरेशन, टॉलरेंस, को लिविंग, म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड अदर वैल्यूज़। जब बच्चा स्कूल में जाता है तो वहाँ पर वो नई नई वैल्यूज़ को डेवलप करता है। एंड वो कौन सी वैल्यूज़ को डेवलप करता है? लव, वो एक दूसरे को समझते हैं, लव करना सीखते हैं, कोऑपरेट करना सीखते हैं। एंड यहाँ पे लव ये नहीं है कि स्कूल में गए देन बॉय एंड गर्ल का रिलेशन एंड ऑल, सो प्लीज़ इसका गलत मतलब मत लेना। इट मीन्स कि जब हम स्कूल में जाते हैं तो हम एक दूसरे की जब रिस्पेक्ट कर रहे होते हैं, हम जब एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे के साथ अच्छे से रहते हैं, इट मीन्स हम लोग लविंग रिलेशनशिप में हैं। वहाँ पे हम लोग कोऑपरेट कर रहे हैं, हम लोग म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रख रहे हैं एक दूसरे के साथ। हम हमारे टीचर्स को प्यार कर रहे हैं, हम हमारे फ्रेंड्स को प्यार कर रहे हैं, यहाँ पे वो मतलब है। हम एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना सीखते हैं, हम टॉलरेंस पावर हमारी इंक्रीज होती है। कई बार होता है कि टीचर्स ने हमारे साथ, मतलब हमारी उतनी ज़्यादा गलती नहीं होती लेकिन टीचर्स ने हमें ज़्यादा डांट दिया, तो हम टॉलरेट करना सीखते हैं कि इट्स ओके, अगर टीचर कुछ कह रहा है तो वो हमारे एल्डर हैं, हमारे भले के लिए कह रहा है। एंड कई बार बच्चे होते हैं कि वो उल्टा बोल जाते हैं टीचर से, तो टीचर्स पर टॉलरेट करते हैं कि बच्चों ने उल्टा बोला है तो इट्स ओके, वो भी छोटे हैं वो समझ जाएंगे, तो टीचर उनसे ज़्यादा बहस नहीं करती। कोलिविंग सीखते हैं, कोलिविंग का मतलब है कि मतलब बॉय एंड गर्ल एक साथ, मतलब कोएड काइंड ऑफ एजुकेशन, कोएड एजुकेशन जब हो रही होती है तो डिफरेंट बच्चे मतलब बॉयज़ एंड गर्ल्स भी एक साथ रहते हैं। तो यहाँ पर कोलिविंग में बॉयज़ एंड गर्ल्स का एक साथ रहना कहीं ना मतलब ये हो गया कि आप स्कूल में जा रहे हो तो बॉयज़ एंड गर्ल्स एक दूसरे के साथ डेवलप कर सकते हैं, वरना पहले क्या होता था कि सिर्फ बॉयज़ स्कूल होता था एंड गर्ल्स स्कूल। तो जब आगे वो वर्क प्लेसेस पे जाते थे तो बच्चों को दिक्कत होती थी, बिकॉज कभी वो जो बॉयज़ थे वो गर्ल्स से ठीक से बात नहीं कर पाते थे एंड जो गर्ल्स थी वो बॉयज़ से ठीक से बात नहीं कर पाती थी। लेकिन कोएड में ये है कि ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बिकॉज आप शुरू से ही एक दूसरे से बातचीत करते हो, एक दूसरे को समझ पाते हो, तो आप लोगों को उतनी शर्म नहीं आती एक दूसरे से बात करने में। एंड कोलिविंग में ये भी आता है कि डिफरेंट कल्चर के, डिफरेंट कस्टम के, डिफरेंट बिलीव्स के बच्चे एक साथ आते हैं, ऑलमोस्ट 8 आवर्स आप स्कूल में बिताते हो, इट मीन्स आप एक दूसरे को अच्छे से जान रहे हो, तो वहाँ पर भी तो आप एक साथ रह रहे हो एक क्लास के अंदर, तो वो कोलिविंग बन जाता है कि आपने 8 आवर्स भी स्पेंड अप किया है डिफरेंट लोगों के साथ, इट मीन्स आपने को लिविंग की है। म्यूचुअल रिस्पेक्ट, आप एक दूसरे के रिस्पेक्ट करने लगते हो एंड उनके अलग अलग वैल्यूज़ भी सीखते हो साथ में। फॉर एग्जांपल हेल्पिंग, ऑनेस्टी, नॉन वायलेंट रहना हमेशा, वायलेंस क्रिएट नहीं करना, ट्रुथफुल रहना, तो ये कुछ अदर वैल्यूज़ आ गई जो कि आप स्कूल में जाके सीखते हो। इट इज़ अ सेइंग एज अ टीचर एज अ स्टूडेंट, ये एक सेइंग है कि जैसा टीचर होता है वही गुण उसके स्टूडेंट में भी नज़र आते हैं।
So if the teacher in school are of good behaviors, who will express his equality and goodwill gets reflected in the child as well. तो अब ये saying है कि जो एक teacher करेगा उसके गुण एक student के अंदर reflect up होंगे. तो ये कहा जाता है कि अगर teacher का behavior अच्छा है, teacher बच्चों के साथ अच्छे से रहता है, वो express करता है equality के साथ, equally treat करता है बच्चों को, goodwill के साथ उन्हें पढ़ाता है, मतलब बिना स्वार्थ के वो बच्चों को पढ़ा रहा होता है कि नहीं कि सिर्फ अच्छे बच्चों को पढ़ा दिया या फिर दूसरे बच्चों पर ध्यान ही नहीं दिया जो एवरेज है या जो थोड़ा लेट समझते हैं, स्लो लर्नर्स हैं, वो इक्वली ट्रीट कर रहा है. एंड फॉर एग्जाम्पल अगर कभी होता है कि डिस्प्यूट्स या कॉन्फ्लिक्ट हो गए, अगर कोई अच्छा बच्चा है एंड अगर कोई बुरा बच्चा है, सो डैट डजेंट मीन कि अगर कोई अच्छे से नहीं पढ़ता एंड कोई अगर बहुत अच्छे से पढ़ता है तो हमेशा ही जो अच्छे से नहीं पढ़ता उसी की गलती होगी. टीचर अगर इक्वालिटी एक्सप्रेस कर रहा है वहाँ पे, गुडविल शो कर रहा है कि वो दोनों साइड का ओपिनियन सुनता है, देन डील अप कर रहा है, तो इट मीन्स वो टीचर काफ़ी अच्छा है बिकॉज वो अच्छे बिहेवियर के साथ, अच्छे इंटेंशन के साथ वो दोनों बच्चों के साथ डील अप कर रहा है, इक्वालिटी शो कर रहा है, गुडविल शो कर रहा है, एंड यही चीज़ें फिर बाद में एक बच्चे के अंदर रिफ्लेक्ट अप होती है. इन स्कूल्स चाइल्ड बिलोंगिंग टू डिफरेंट फैमिलीज रीड टुगेदर, इंटरैक्ट इन वेरियस पैटर्न्स एंड इम्बाइब वेरियस ट्रेडिशंस ऑफ सोसाइटी. स्कूल के अंदर जो बच्चे होते हैं वो अलग अलग फैमिलीज से आते हैं एंड जो अलग अलग फैमिलीज से आ रहे होते हैं वो सभी बच्चे एक साथ पढ़ाई करते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं और अलग अलग पैटर्न्स में इंटरेक्ट करते हैं. बिकॉज आपने खुद देखो जब आप स्कूल जाते थे तो आपके सारे पूरी क्लास तो फ्रेंड्स नहीं बन गए, बट हाँ ये था कि आप सबसे बोलते ज़रूर थे बिकॉज आपको कभी ना कभी कुछ ना कुछ काम पड़ जाता था या फिर आपको सीट एक्सचेंज करनी है तो भी आपको बोलना पड़ता ही था. लेकिन आपके कुछ क्लोज फ्रेंड्स बन जाते हैं क्लास के अंदर, आपका एक पर्टिकुलर ग्रुप बन जाते हैं, तो इट मीन्स आप लोग अलग अलग स्टूडेंट्स से, अलग अलग चिल्ड्रन के साथ अलग अलग डील अप कर रहे हो, अलग तरह से इंटरेक्ट कर रहे हो. अब कुछ के साथ अपने सारे सीक्रेट्स भी शेयर अप कर देते हो एंड कुछ लोगों के साथ आप कम इंटरेक्ट करते हो, बट आप इंटरेक्ट करते हो तो ये वेरियस पैटर्न्स हो गए जब आप अलग अलग वे में इंटरेक्ट कर रहे हो, अलग अलग स्टूडेंट के साथ, अलग अलग क्लासमेट के साथ, एंड आप फिर अलग अलग ट्रेडिशंस को अपना लेते हो एक सोसाइटी के अंदर जो हो रहे होते हैं, जो ज़रूरी होते हैं एक सोसाइटी में रहने के लिए. अब वो सब ट्रेडिशन सीखते हो एक क्लास के अंदर, एक स्कूल के अंदर, एंड अपने अंदर वो सब ट्रेडिशंस को ढालते हो एंड उस अकॉर्डिंग चलते हो. पार्टिसिपेशन इन एजुकेशनल एंड सोशल फंक्शन ऑफ स्कूल इनकलकेट द सोशल क्वालिटीज, एटीट्यूड, हैबिट्स एंड पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर इन विच इन चाइल्ड विच ऑल ब्रिंग सोशलाइजेशन. जब हम पार्टिसिपेट करते हैं किसी भी सोशल फंक्शन में, कोई फॉर एग्जांपल स्कूल में कोई भी फंक्शन हो रहा है, रिपब्लिक डे का मान लेते हैं या इंडिपेंडेंस डे का मान लेते हैं, ठीक है, तो उसमें हमें भारत माता के बारे में बहुत बार गीत गाए जाते हैं फंक्शंस के अंदर, या फिर आपको भगत सिंह का कोई एक्ट दिखा दिया, रानी लक्ष्मीबाई का कोई सीन दिखा दिया, जैसे रिवोल्ट ऑफ 1857 दिखा दिया आपको. तो फंक्शन में जब हम कुछ ना कुछ ये सारी चीज़ें देख रहे होते हैं तो वो हमें सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं दिखाए जाते, वो हमें हमारे अंदर कुछ क्वालिटीज़ डेवलप करने के लिए दिखाए जाते हैं, हमारे अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करने के लिए दिखाए जाते हैं. फॉर एग्जांपल रानी लक्ष्मीबाई से हम लोग सीखते हैं कि हमें वीरता कैसे दिखानी है, हमें गलत के अगेंस्ट में हमेशा खड़े रहना है, हमें राइट का साथ देना है हमेशा बिना डरे, तो ये सब चीज़ें एंड साफ साफ बोलना सीखना है, डरना नहीं है, अपना पॉइंट रखना सीखना है, तो हम लोग ये सब कुछ क्वालिटीज सीख रहे होते हैं जब भी हम कुछ ना कुछ फंक्शन स्कूल्स में होता है, कोई भी सोशल फंक्शन होता है या एजुकेशनल फंक्शन स्कूल में होता है, तो हमारे अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटीज डेवलप करते हैं हम कुछ हैबिट्स डेवलप करते हैं अपने अंदर, हम कुछ ना कुछ एटीट्यूड डेवलप करते हैं अपने अंदर कि हमें दूसरे साथ कैसे डेवलप करना है. फॉर एग्ज़ाम्पल मैं खुद के एग्जाम्पल ले रही हूँ, हमारे स्कूल में ना एक स्टोरी सुनाई थी जब मैं स्कूल में थी, तो क्या था कि ना एक संत थे, तो ना वो जब भी कहीं पे जाते थे, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है, मेरे को बस याद है कि मैंने असेंबली में सुना था, स्टोरी का थोड़ा बहुत याद है तो मैं वो बता रही हूँ कि जब हम लोग कि जब वो संत जाता था कहीं पे, आई थिंक मंदिर, पता नहीं मंदिर जाता था या कहाँ पे, वो शायद मंदिर ही जाता था, तो वो ना सीढ़ी चढ़ता था, जब वो सीढ़ी चढ़ता था तो वहाँ पे एक क्या कहते हैं उसे, बीटल था या शायद केकड़ा टाइप था,
तो वो ना उसको डंक मारता था रोज, एंड वो उसे उठा के रोज साइड में रख देता था, वो उसको मारता नहीं था। तो एक दिन एक गांव वाले ने पूछा कि आपको रोज डंक मारता है तो आप इसको रोज साइड में क्यों रख देते हो, आप इसको मारते क्यों नहीं हो, आप इसको मार दो फिर आपको ये काटेगा ही नहीं रोज रोज। तो वो संत कहते हैं कि मेरा कर्म है कि मैं दूसरों को हार्म नहीं करूँगा, एंड इसका कर्म है कि ये अपने आप को बचाने के लिए दूसरों को मारेगा, बिकॉज मैं इससे बड़ा हूँ तो इसलिए मुझे डंक मारता है। तो वहाँ पे हमारे क्वालिटीज और एटीट्यूड शो अप हो जाते हैं कि जो कि जिसका जो नेचर है वो तो वो रहेगा ही, लेकिन आप दूसरों के लिए अपना नेचर चेंज मत करो, आप जैसे हो वैसे ही रहो, अगर कोई बुरा है तो आप बुरे मत बनो। काइंड ये मोरल था। तो आई होप कि यू कैन अंडरस्टैंड कि हम लोग कैसे बिहेवियर अपने अंदर डेवलप करते, कैसे इंस्पायर हो जाते डिफरेंट लीडर्स का सुन के या स्टोरीज सुन के, एंड कैसे हम एटीट्यूड्स अपने अंदर डेवलप कर लेते हैं। स्कूल्स हेल्प अस बिल्डिंग हेल्दी ह्यूमन रिलेशंस विद अदर्स, इट इंस्पायर्स बिलीव्स एंड ट्रेडिशंस विच एनकरेज चिल्ड्रन टू फॉलो द राइट लॉज रूल्स एंड ड्यूटीज। जो स्कूल होता है वो हेल्प करता है कि ह्यूमन रिलेशंस हम लोग हेल्दीली डेवलप करें, मतलब एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से रहें, हम लोग सोसाइटी में रहना सीख जाए, हम इंस्पायर होते हैं डिफरेंट बिलीव्स के साथ, डिफरेंट ट्रेडिशंस को फॉलो करते हुए हम बड़े होते हैं, एंड इससे जो एक चिल्ड्रन है, जो एक चाइल्ड है, वो इनकरेज होता है कि वो लॉज को फॉलो करे, अपने रूल्स को फॉलो करे और अपनी ड्यूटीज़ को अच्छे से फॉलो करे, लॉज को ब्रेक ना करे। सो यहाँ पे हमारी वीडियो ख़त्म होती है। होप्स आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।